नमस्कार दोस्तों, अगर आप यहाँ नए हैं तो मेरा नाम है अमृत ध्रुवे और आज हम डरावनी कहानियों की रहस्यमय दुनिया में जाने वाले हैं। तो बत्तियाँ बंद कर लीजिए, अपना पसंदीदा स्नैक लीजिए और तैयार हो जाइए कुछ रूह कपा देने वाली कहानियों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी फुसफुसाते जंगल की है। कहा जाता है कि ये जंगल उन लोगों की आत्माओं से भरे हैं जो यहां बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। ये एक ठंडी बिना चांदनी वाली रात थी जब सारा ने जंगल के रास्ते से शॉर्टकट लेने का फैसला किया। उसने अफवाहें सुनी थी लेकिन उन्हें महज कहानियां मानकर नजरअंदाज कर दिया था। जैसे जैसे वो अंदर गई उसे धीरे धीरे फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। पहले तो उसने सोचा कि यह हवा है लेकिन फुसफुसाहट तेज और स्पष्ट होती गई। सारा ने अपनी चाल तेज कर ली लेकिन फुसफुसाहट उसका पीछा करने लगी उसका नाम पुकारते हुए, सारा। घबराहट में उसने महसूस किया कि वो खो गई है। अचानक उसने अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस की और वो मुड़ी लेकिन अंधेरे के अलावा उसे कुछ नहीं दिखा। आखिरी कोशिश में उसने दौड़ लगाई और फिर कभी नहीं देखी गई। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि वो पेड़ों के बीच सारा की मदद के लिए पुकार को सुन सकते हैं। इसलिए अगर आप कभी फुसफुसाते जंगल के पास हो तो सारा की कहानी को याद रखें और दूर रहें।